अब तुम जा सकती हो दिलनवाज। मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी छोटी बीबी? जहां जाना चाहती हो चली जाओ दिलनवाज, तुम्हारे पैरों की पीढ़ियां खुल चुकी है, अब तुम किसी की महकूम नहीं हो। हाय छोटी बीबी, इस आजादी से तो अच्छी वो कैद थी, कम से कम साहिब को मेरा इंतजार तो था। आप नहीं जानते, मैं तो आपसे ज्यादा तन्हा हो गई हूं। साहिब ने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया, मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर, कोई मशवरा किए बगैर वो इतना बड़ा फैसला अकेले में कैसे कर सकते हैं छोटी बीबी? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? किसी ने मेरे और साहिब के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, अचानक कौन सी वो ताकत है जिसने साहिब और मेरे रिश्ते के दरमियान ये दीवार खड़ी की है? हाँ, है कोई ताकत। तुम्हारे और फवाद के दरमियान में दीवार, सारी दीवारें गिर चुकी हैं दिलनवाज। नहीं छोटी बीबी, नहीं, कोई तो है जिसने साहिब के हाथ पर वो धागा बांधा है, जिसकी वजह से अपने साहिब के करीब नहीं जा सकते, उन्हें छू नहीं सकूंगी। मेरे सारे जादू, मेरा सहर, सारी अदाएं सब बेकार होने वाली। इसका मतलब है रशीदा को हजरत बीबी का मुतबादिल मिल गया। छोटी बीबी, क्या मुझे उस ताकत का पता चल सकता है? तुम्हारी छोटी बीबी इतनी ताकतवर नहीं है दिलनवाज। अगर तुम्हारी हजरत बीबी होती तो शायद तुम्हारी मदद कर सकती थी। आप मेरी मदद करेंगे ना? बोले छोटी बीबी। बोले ना। मैं हजरत बीबी नहीं हूं दिलनवाज। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को समेट रखा था फवाद, तुम क्यों आए? ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की मायूं अटेंड कर रही हूं। पता नहीं क्यों सब लोग अजनबी लग रहे थे। मैं क्या किया फवाद, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है किरण, फवाद उस जिनके असर में बेबस हो गया था, वरना वो बदला कभी भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है किरण, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली है ना। जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? मैं नहीं तो वो, हाँ चूड़ियां उतार रही थी ना तो एक लग गई यहाँ। देखा, अब तो ठीक है अम्मी, कुछ नहीं हुआ, खून भी नहीं निकल रहा। मैं अभी ना लाल मिर्चों से तुम्हारी नजर उतारती हूँ। सब कह रहे थे कि माशाल्लाह किरण बेटी के ऊपर नजर ही नहीं ठहर रही थी। अच्छा ये बताओ कि सुबह पार्लर कितने बजे जाना है? अम्मी सुबह के बाद सुबह करते हैं। मैं आती हूँ। पर हाँ
क्या हुआ साहब? मुझे देखकर हैरान रह गए। क्या लगा था दिलनवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे थे? कहां जा रहे थे साहिब? अपने घर वापस जा रहा हूं। ये भी तो आपका घर है। नहीं, ये आपका घर है। इस घर से मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। ये घर मेरा और आपका है। मत भूलें कि शादी हुई आपकी, मुझसे निकाह हुआ है, और आप इस तरह अपने घर और बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता दिलनवाज, ना ही किसी शादी को, ना ही किसी निकाह को। उस वक्त वैसे भी मैं अपने होश में नहीं था। क्या हो गया साहेब आपको? मोहब्बत करते थे आप मुझसे, शादी हुई है हमारी, और जो कुछ हमारे दरमियान हुआ है वो सब आपकी पसंद और मर्जी से हुआ था। दिलनवाज, मैं कह रहा हूँ ना कि उस वक्त मैं होश में नहीं था। होश में तो अब आप नहीं है साहेब, सब जानती हूँ मैं। इस धागे के छोटे से टुकड़े ना आपके होश उड़ा दिए। जादू कर देता दिलनवाज में, जादू। तब भी तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं किरण के अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हसन सुलेमान की कसम साहिब, जब मेरा आपसे निकाह हुआ था तब आप मेरे शहर में नहीं थे, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि आप मुझे दिल से मोहब्बत करें, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे अपनाएं, इस रिश्ते को कायम रखें। साहिब, मैंने आपके साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि तुम बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रही हो, मुझे तुम पे यकीन। और क्या कहूँ दिलनवाज, आज मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, प्लीज इस बात को समझो, समझो प्लीज। तुम और मैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हम एक नॉर्मल शादीशुदा इंसान की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम पागल समझेंगे मुझे? कैसे मिल पाऊंगा उन्हें तुमसे? क्या कहूंगा उन्हें तुमसे? क्या कहूंगा? तुम मेरी बीवी हो सकता है दिलनवाज? अगर तुम्हारे पास कोई हल है इस चीज का तो बताओ मुझे। मुझे छोड़ के जाओगे? अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है दिलनवाज, जाने दो मुझे। थक गया प्लीज। खुदा के लिए साहिब, ऐसा मत करो, सब कुछ बर्बाद करके मत जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, जैसा चाहोगे वैसा होगा, मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी के सामने हाजिर नहीं होंगी, कभी किसी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताऊंगी। साहिब, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं वादा करती हूँ आपसे, दिलनवाज बगैर किसी इल्म के सारी जिंदगी आपके गुलाम रहेगी। साहिब, मुझे छोड़ के मत जाओ। साहिब, मुझे कोई गुलाम नहीं चाहिए, मुझे नहीं करवानी तुमसे गुलामी, कोई गुलामी नहीं करवानी। किस तरह समझाऊं तुम्हें, ये सब मुमकिन नहीं है, ये नहीं है मुमकिन। मुझे देखो, देखो मुझे, कितनी मोहब्बत की थी मैंने किरण से, कितनी मोहब्बत, कुछ मिला मुझे? कुछ भी नहीं। उसकी तो शादी हो रही है कहीं और, किसी और की हो जाएगी, कुछ नहीं कर सका। हाँ, ये सच है कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, सबको समझाया, खुद को समझाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं थी। तो जिस तरह वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैं भी तुम्हारी किस्मत में नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता दिलनवाज, समझो इस बात को प्लीज। मैं बीवी हूं आपके साथ, शादी हुई हमारी। दिलनवाज, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या करूं और? खत्म कर देता हूं खुद को, नहीं कर सकता। जब मैं इस घर में आया था, टूटा हुआ था मेरा दिल, कमजोर था मैं बहुत साइकोलॉजिकली, इमोशनली। उसी कमजोरी का फायदा उठाया तुम, उसी कमजोरी का फायदा उठाया। तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर ये कि तुम मुझे भूल जाओ दिलनवाज। मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, ना मैंने कभी तुम्हें दिल से चाहा।
तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं ये नहीं कर सकता दिलवास, कभी नहीं कर सकता। और अगर हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तंग आ गया अपनी जिंदगी से। तेरी राहों
क्या बात है? कुछ नहीं। किरण तुम कुछ उदास और परेशान लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। किस चीज के लिए? शादी से मना करने के। जी किरण तुम्हें पता है जब मैं और मेरे घर वाले पहली दफा तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर आए थे तुम्हारे पड़ोस में एक खातून मिली थी मुझे और उसने तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें भी की थी हमसे लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने उनकी किसी भी बात को कान नहीं दिया वो खातून आज फिर मुझे मिली थी उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम उनके बेटे से बहुत मोहब्बत करते हो फिर मुझे तुम्हारे उदास और मुझे गुजर रहने की वजह मालूम हो गई जब तुम ये शादी इसलिए कर रही हो तुम्हारी मामा ने हमसे कमिटमेंट कर लिया है ना प्लीज किरण ऐसा मत करो किरण इससे तुम मेरी अपनी और पवार और हम तीनों की जिंदगियां तबाह कर दो मैं और कर भी क्या सकती हूँ तुम कुछ नहीं करो लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ क्या मतलब बंद करें ये सब तमाशा बंद करें सब ये अम्मी मैं शादी नहीं कर सकता क्या हुआ है क्यों बेटा क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं पहले वो मेरी जिंदगी में नहीं थी लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई है इसलिए मैं अब ये शादी नहीं कर सकता हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा नासिर नासिर क्या कह रहे हो नासिर बेटा मेरी बात सुनो नासिर कहाँ जा रहे हो नासिर मेरी बात तो सुनो नासिर कहाँ जा रहे हो तुम ये सब कुछ क्या हो रही है कहाँ चला गया बिना बताए प्लीज आप रोके ना मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम नासिर के अब्बा गए उसे रोकने बहन ये हमारी इज्जत का सवाल है प्लीज उसे रोक ले आप मुझे एहसास है आप की नहीं हमारी भी इज्जत है लेकिन नासिर के अब्बा गए लेकर आती हूँ उसे Thank you.
साहिबो, ये दरवाजा दिलनवाज ने बंद किया, आप सने खोले थे। क्या चाहती है दिलनवाज? अब तक आपको यही समझ नहीं है, दिलनवाज तो सिर्फ आपको चाहती है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा साहब कि आप इतना बदल गए। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे लिए दुनिया से लड़ने की ताकत रखते थे, अब क्या हो गया आपको? आपको याद है ये पहनाते वक्त आपने वादा किया था मुझसे कि मेरे और आपकी मोहब्बत कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत है। आप मेरे बगैर कुछ नहीं है, अब क्या हो गया आपको? आप सब भूल गए? दिमाग खराब हो गया था, जादू कर दिया था तुमने मुझ पर। मैं किरण के होते हुए मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। किरण किरण किरण, क्या है उस मिट्टी से बनी बदशक्ल लड़की में? वादा करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। क्या करोगे? जान ले लोगे मेरी? हाय साहिब, मार तो मुझे पहली दे आपकी दे रुके। अब देखे ना, हजरत बीबी ने मेरे साथ कितना जुल्म किया, मेरी तमाम तर वफादारियों के बावजूद मेरे पैरों में बेड़ियां डालती। और अब आप मुझसे नफरत करते हैं? क्या सिला दी आप लोगों ने मेरी मोहब्बत और वफादारियों का? क्या सारे इंसान ऐसे एहसान फरामोश और खुदगर्ज होते साहिब? कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, कोई एहसान नहीं किया। मैं शहर में किया, अपने बस में किया, अपनी काली ताकतों से। मोहब्बत किया आपसे, सच्चे दिल से मोहब्बत, और इस मोहब्बत को निभाने के खातिर मैंने आपकी और अपनी दुनिया के तमाम उसूलों को तोड़ दिया, क्योंकि मोहब्बत का एक ही उसूल है कि उसका कोई उसूल नहीं होता। आपकी दुनिया हो या हमारी दुनिया, चाहे दुनिया कोई भी हो, मोहब्बत एक सी होती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूं और हो भी नहीं सकता। तुम आग और मैं मट्टी, तुम उस किरण को मट्टी से बनी हुई बच्चा कल औरत कह रही थी ना, तो देखो मैं भी तो उसी मट्टी से बना हूं। फिर कौन सी मोहब्बत की दुआएं दे रही हो दिलनवाज? अब मेरे लिए किरण इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। पर बीवी मैं हूं आपकी, निकाह हुआ है मेरा आपके साथ। निकाह? बीवी तो वो भी बन जाएगी कल किसी की, लेकिन मेरी और उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम क्या समझोगे दिलनवाज? तुम्हारी और मेरी मोहब्बत तो सिर्फ इस धागे की मोहताज है। कौन सी मोहब्बत की दुआएं दे रही हो दिलनवाज? किरण की मोहब्बत मुझसे ज्यादा सच्ची और ताकतवर नहीं हो सकती साहिबू, और ये बात आपको एक दिन दिलनवाज साबित करके दिखाएगी। इतनी हिम्मत है तुम्हारी मोहब्बत में, तो फिर ये
ये धागा मेरी कलाई से उतार के दिखाओ दी नवाज, दिखाओ क्या हुआ दिल नवाज उतारो। सब बर्बाद हो गया किरण, सब खत्म हो गया। अम्मी कुछ नहीं हुआ, जो किस्मत में नहीं होता वो नहीं मिलता। हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? हमारा क्या कसूर है इसमें? लड़के वालों ने मना किया है ना। हाँ तो उस मनहूस ने मना किया ना, जलील लड़के ने। देखो किरण, सारे मोहल्ले वालों के सामने, दोस्तों के सामने, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स आई हुई थी। या अल्लाह, वो काला हो गया मेरा सबके सामने। मियां, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, लड़के वालों ने मना किया है शादी से। हाँ, देखो कितना जलील लड़का है। अरे पता भी नहीं चलने दिया कि किसी लड़की से मोहब्बत करता है। मेरी बच्ची भी तो किसी से मोहब्बत करती थी, कैसे मेरे फैसले पर सर झुकाया, और वो लड़का जलील। लड़के होते ही जलील है। अम्मी गालियां देने से क्या फायदा उसको? तो क्या करूं, क्या करूं? फूलों के हार पहनाऊं, नजर उतारूं उसका भी नहीं, जिसने इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बताओ बताओ, कौन करेगा तुमसे शादी? हाँ, कहाँ से आएगा तुम्हारे लिए रिश्ता? तुम्हें नहीं पता लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अच्छा बस बस बस, आप ज्यादा गुस्सा ना करें, आप बैठे यहाँ पर आराम से बैठे। गुस्सा नहीं करें अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। आप जाएं, ऊपर जाके सो जाएं थोड़ी देर। कैसे सो जाओ, इस नींद से बेहतर नहीं है कि मौत आ जाएगी। मैं वैसे इन सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। एक लड़के ने मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरी इज्जत, मेरी इंसान पे पानी फेर दिया। किरण, मैं बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। फवाद, उठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता बना के ले आई हूँ। 11 बज रहे हैं बेटा, उठ जाओ ना बेटा। अब्बा चले गए? अरे उन्हें तो गए हुए घंटा भर हो गया, किसी क्लाइंट को अपने वाला घर दिखाना था। बस दुआ करो कि वो भूत बंगला किराए पे चला जाए। तुम्हारे अब्बा को तो बहुत दुख है वो घर छोड़ने का। अरे तुम्हें खबर देनी थी, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो रात भर सो रहे थे। क्या हुआ? अरे रात को उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया किरण से। क्या? कह रहा था कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। पता नहीं बेचारी किरण की क्या किस्मत में लिखा है, उसकी माँ को तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपने उसका सजा ही कर दिया। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उससे बहुत हमदर्दी है। मैं तो हॉस्पिटल भी लेकर आई थी तुमसे मिलवाने के लिए, मगर तुमने कोई खास ही नहीं डाला। उसके घर वालों को पहले नहीं पता था? अरे उस लड़के को पहले ही बता देना चाहिए था ना कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। एन शादी के टाइम पे कहने लगा मैं तो उसी से शादी करूंगा, लेकिन एक लिहाज से सच भी है, ठीक भी है। मुझे लगता है कि किरण तुम्हारे ही किस्मत में लिखी हुई है। आज मैं जाऊंगी अफसोस करने के लिए, और साथ ही साथ ना तुम्हारे रिश्ते की भी बात डाल लाऊंगी। थैंक्स मेरे बच्चे, तुमने क्या अपनी हालत बना रखी है। चलो उठो शावर, मुंह हाथ धो के नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। किचन में जाके देखूं काम। अम्मा,
हाँ बेटा। I love you. मेरा बच्चा। चलो बस मेरा बच्चा उठ जाओ, नाश्ता करो। बड़ी भी चली गई अब्बा हुजूर, पहले अम्मा गई फिर आप और अब बड़ी। मैं आप सब लोगों से बहुत नाराज हूं, आप लोगों ने अपनी छोटी को इस दुनिया में अकेले छोड़ दिया, अब मैं इस घर पे अकेली रूह की तरह घूम रही हूं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीने की ख्वाहिश जैसे दम तोड़ गई है। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्यों इस मतलब परस्त खुद गर्ज दुनिया में अपनी छोटी को अकेला छोड़, क्यों? गुड गुड गुड। अच्छा मस्जिद जबरदस्त, चल थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज। जी हाँ, वो मैं ये बताने आया था कि स्वयं के इंतजामात हो गए, शामियाने को भी कहलवा दिया है, क्रॉकरी का भी कह दिया है और मस्जिद में भी कहलवा दिया है। मुझे कुछ काम है, वो मैं निपटा कर आता हूँ शाम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। ओके okay.